दोस्तों, जो अगर आप 10वीं पास हैं और साथ ही भारतीय सेना की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने पूरे भारत के युवाओं के लिए कई पदों पर बंपर भर्ती निकाली है और इसके लिए विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। इसलिए जो अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लेवें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिन पोस्ट्स के लिए भर्ती होनी है उसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर और पेस्ट कंट्रोल वर्कर पद शामिल हैं, और इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही मोटर ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंट्रोल वर्कर के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इस नौकरी में 18 से 25 साल तक के युवा अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। साथ ही इस नौकरी में चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 और 2 के तहत 18,000 से 63,200 रुपए प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीदवारों का चयन सीधे शॉर्टलिस्टिंग, रिटेन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि यह वैकेंसी नौसेना में ग्रुप सी के अंतर्गत निकाली गई है और इस भर्ती में पूरे भारत के युवा अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को भर कर दिए गए पते पर पोस्ट द्वारा भेजना होगा। इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 20 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नौसेना के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।